नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक। मैं सत्या पॉल, आइए एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र के सिटी पार्क स्थित वनभोज स्थल से पुलिस ने एक वृद्ध महिला का शव बरामद किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस संबंध में थाना प्रभारी किशन कृष्ण चौधरी ने बताया कि महिला दो दिन पूर्व से लापता थी, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई है। मृतका की पहचान सेक्टर 3C के आवास संख्या 206 के निवासी 70 वर्षीय जुबेदा खातून सोहर मोहम्मद मुस्तफा के खान के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार मृतक महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, जिसका इलाज लगभग एक वर्ष पूर्व से रांची के मेडिकल अस्पताल में चल रहा था। पुलिस ने आशंका जताई है कि महिला की मौत गिरने से हुई है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक जुबेदा खातून की मिसिंग हुई थी आज से दो दिन पहले, इसका सूचना यहां थाना मिला था। हम लोग भी खोज रहे थे, वायरलेस वगैरह भी जो है प्रक्रिया की गई थी, लेकिन आज देखा है कि सुबह में सूचना मिल गई कि एक महिला की शव है। जाकर देखे तो वो गुमशुदगी महिला का ही शव था। वो दिमागी हालत से गुजर रही थी और शुगर बीपी वगैरह भी गंभीर रूप से ग्रसित थी। उसी क्रम में लगता है शुगर वगैरह कुछ बढ़ गया जंगल में और वही गिर गई है और बेहोश हो गई। मैं कहाँ से मिला सर? ये सिटी पार्क के पास जंगल है, वो उसी के पास में। कोई चोट वोट का निशान नहीं ना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। घर वाले को द्वारा भी बताएगा, किसी पर कोई संदेह नहीं है ना किसी पर कोई, इसलिए कोई इनको ठीक। बॉडी क्या पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है?